नमस्कार, मैं हूं चंदन पटेल और आप देख रहे हैं देसी किसान। साथियों, बहुत दिनों से आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि राउंड पर्ल यानी कि गोल मोती कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, इसके बारे में वीडियो मांग रहे थे। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि हम गोल मोती कैसे बना सकते हैं, उसका सर्जरी कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको गोल मोती के बारे में। अभी आप मेरे पास देख रहे हैं सीप रखा हुआ है जिसका हम सर्जरी करेंगे। ये सर्जिकल टूल है, ये एक इओसिन नाम की दवा आती है जिसको इसमें यूज करना होता है। ये मेरे पास कुछ राउंड न्यूक्लियस रखे हुए हैं जिसको कि हम इम्प्लांट करेंगे सीप के अंदर। आपको हम लाइव सर्जरी करके दिखाएंगे इस वीडियो में कि हम कैसे गोल मोती की सर्जरी कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। अभी साथियों, इससे पहले भी और बहुत सारी वीडियो हम इस पर डाल चुके हैं मोती की खेती पर। उन सब वीडियो में आपको हम हाफ राउंड मोती और डिजाइनर मोती बनाना सिखा चुके हैं। ये आप लोग वीडियो न देखे हों तो पीछे जा करके इसी चैनल देसी किसान पर सर्च करके वो सब वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको समझ जाएंगे कि हाफ राउंड और डिजाइनर मोती कैसे बनाते हैं। तो उन सब से उस सब के बाद आप ये वीडियो देखिए जिसमें कि हम आपको गोल मोती बनाना सिखाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम दिखाएंगे कि राउंड मोती कैसे बनाते हैं। तो साथियों, गोल मोती बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक सीप को ओपन करना होता है। तो हम यहाँ से एक सीप को पकड़ लेते हैं और उसको ओपन करते हैं। ये हमारा एक सीप रहा, इसको हम पहले ओपन करेंगे। तो ये हमारा एक सीप ओपन हो गया और उसके बाद हम ब्लेड के माध्यम से इसका साइड का टिशू कट करते हैं। ये इसका हम टिशू निकालेंगे एक साइड से। ये कुछ टिशू आ गए हैं ये। अब इस टिशू को हमें ये देखना है कि इसका उल्टा भाग और सीधा भाग, आपको हम इसमें दिखाते हैं। इसको हम कट करके रख लिए, इसके हमें मान लीजिए हम कुछ छोटे छोटे पार्ट बना लेते हैं। यहाँ से एक पार्ट हो गया, इसके बाद ये दूसरा पार्ट हो गया, और इसके बाद ये तीसरा पार्ट हो गया। ऐसे ऐसे हमें जितने ज़रूरत पड़ते हैं उतने हम पार्ट काट लेंगे। ये पार्ट चूँकि सीधा साइड का है तो हमें तीन सीधे साइड के पार्ट मिल गए। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से। इसको हम अब उल्टा कर लिए और इसका तीन हम उल्टे साइड का पार्ट काट लेते हैं। एक हो गया, एक ये दो हो गया, एक और ले लेते हैं, ये हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो पार्ट रखे हुए हैं सीधे साइड के हैं और ये उल्टे साइड के हैं। उसके बाद इन सब के ऊपर हमें हल्का सा इओसिन दवा लगाना है। इसको हम पहले इसको पानी में भिगो लेते हैं। ये हल्का सा दवा यहाँ पे गिर गया है मान लीजिए, तो हम बस हल्का सा इस दवा को इस वाले टिशू के ऊपर और इस वाले टिशू के ऊपर, दोनों के ऊपर लगा देंगे इस तरह से। ये इसके बाद दूसरा सीप लेंगे जिसकी हमें सर्जरी करनी है। इसमें से हम कोई एक सीप पकड़ लेते हैं, ये सीप हम मान लीजिए पकड़ लिए। इसको ओपन करके जितना हमें ज़रूरत होता है सर्जरी के लिए उतना हम ओपन कर लेंगे, लकड़ी लगा लेंगे ऐसे ही। अब इस सीप के अंदर आप देखिए, हो सकता है वीडियो में क्लियर दिखाई ना दे, लेकिन मेन काम यही है। जब आप इसको इस तरह से दबाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन बनी होती है अंदर, इसके मसल्स पे एक लाइन बनी होती है। इसी लाइन के बॉर्डर पे हमें कट करना होता है इस टूल से। इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, ये हो गया, इसको कट कर लिए। उसके बाद जो हमारा उल्टा साइड का था टिशू, उसको एक यहाँ से उठाएंगे, उल्टे साइड के टिशू को एक उठाएंगे और इसमें कट में ले जा करके डाल देंगे इस साइड से। ये हो गया। उसके बाद हमें लेना है अपना न्यूक्लियस, इसमें से हम एक न्यूक्लियस पकड़ेंगे और उसी कट में ले जाके इसको भी डाल देना है जहां पर कि टिशू डाले हैं।
ये हो गया। उसके बाद फिर से एक दूसरा कट लेना है जो कि सीधे साइड वाला है, इसके न्यूक्लियस के ऊपर से इसको लगा देना है ये इस तरह से। उसके बाद इसको बंद करके रख देना है। बस ऐसे ही सारों सीपों को करना है। सीप को ओपन करेंगे, उसमें मसल्स पे देखेंगे जहाँ पे लाइन बनी होती है वहाँ पे कट करना है। कट करने के बाद एक टिश्यू हम लगाएंगे जो कि उल्टे साइड की होती है उस कट के अंदर, फिर उस पर न्यूक्लियस डालेंगे और उसके ऊपर से फिर एक सीधे साइड का जो टिश्यू होता है उसको लगा देंगे और इसको नॉर्मली बंद करके रख देंगे। बाकी आप आगे जानते हैं कि एक दवा आती है पराक्सिन 500 नाम से, उसको इस पानी में घोले रहते हैं एक कैप्सूल, उसका खोल के घोल देते हैं और इसी में इस टिश्यू इसको मसल्स को रखते हैं, सीप को उसी में रखते हैं जिससे कि इनको कोई नुकसान ना हो या मरने ना पाए। साथियों ये था गोल मोती की जानकारी। यदि और भी कोई क्वेरी आपको हो इस रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।